अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नईम साबिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी सेहत NICVD के साथ। मेरी सेहत में हम लोग आज बात करेंगे रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ के ऊपर। गुज़िश्ता प्रोग्राम के ऊपर हमने बात की थी कंजेनाइटल हार्ट डिज़ीज़ के ऊपर और हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर नजमा पटेल, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ के हवाले से। मैम थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू मेरी सेहत। मैम हमारे नाजरीन को सबसे पहले आज बताइएगा रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ है क्या, होती क्या है? रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ में ये होता है कि दिल के वेल्स ख़राब हो जाते हैं और ये इसकी वजह जो होती है उसमें एक गले के इन्फेक्शन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सोर थ्रोट या स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट, कुछ ख़ास जरासीमों की वजह से। ठीक है। और ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन बीमारी है गले ख़राब होना, क्योंकि हमारे मुल्क में इन्फेक्शन्स रेट बहुत हाई हैं। बहुत सारी वजह हैं जो सबको पता है कि हमारे यहाँ गंदगी बहुत है और इस तरह ओवर क्राउडिंग बहुत है। तो जिन बच्चों के गले इस ख़ास जरासीम की वजह से ख़राब होते हैं उनमें से तकरीबन अगर 100 बच्चों के गले ख़राब हैं तो 4 बच्चों को ये जिसमें हम कहते हैं रूमेटिक फीवर, वो होगा। और ये रूमेटिक फीवर जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें जोड़ों में भी प्रॉब्लम होता है, घुटनों में दर्द होगा या हाथ की हथेलियों में दर्द होगा, बड़े जॉइंट्स में होता है, सूजन भी आती है। फिर ये भी ये हो सकता है कि इससे ज़्यादा ना बढ़े और कभी और फिर आगे बढ़ेगा, या कभी सिर्फ और कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दिल की इन्वॉल्वमेंट होती है। और जब दिल की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उस वक्त फौरी तौर पे और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और मगर ये लॉन्ग टर्म में जाके ये दिल के वेल को ख़राब कर देता है जो कि एक ज़िंदगी भर की बीमारी है। एक मरतबा वेल ख़राब हो जाए और उसके बाद दोबारा से ये इन्फेक्शन हो तो 70-80% चांसेस हैं कि दोबारा से उसको रूमेटिक फीवर होगा और दोबारा से वो वेल पे मज़ीद ख़राबी पैदा करेगा। फिर ये ज़िंदगी भर का मसला बनता है, कभी ख़त्म ना होने वाला। ठीक हो गया मैम। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी कंजेनाइटल हार्ट डिज़ीज़ उसमें और इसमें अगर डिफरेंस करें, वो आपने बताया था कि वो पैदाइश से पहले का है और इसमें थोड़ा सा मैम दोनों में डिफरेंशिएशन। देखिए कंजेनाइटल जब भी कुछ चीज़ है उसका मतलब है कि दिल की बात कर रहे हैं तो दिल के बनने के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसकी वजह से कोई भी एबनॉर्मलिटी पैदा हुई है। और जब हम बात करते हैं एक्वायर्ड कोई भी चीज़, अब इसके हवाले से बात करेंगे कि दिल बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ था, नॉर्मल काम कर रहा था, बाद में उसमें कुछ बीमारियां पैदा हुई हैं, जैसे कोई भी बीमारी हो सकती है बाद में, जैसे पोलियो है, जैसे वो बाद में होता है, पहले तो नहीं होता मगर वो फिर ज़िंदगी भर की डिसेबिलिटी बनती है। इसी तरह से ये भी एक कुछ इन्फेक्शन्स होते हैं उनके असरात बाद में होते हैं दिल पे, जोड़ों पे, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें, मगर जो मुस्तकिल होती है वो दिल की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है। तो मैम ये पैदाइश के बाद क्योंकि होता है तो उसमें कौन सी एज ग्रुप के पेशेंट या बच्चे जो है ज़्यादा कॉमन? 5 से 15 साल है। हाँ। मगर ज़रूरी नहीं है, हमने 3-3 साल के बच्चे भी देखे हैं जिनके वेल काफ़ी ख़राब हो चुके थे और वो कन्फर्म इसी वजह से थे, और बड़ी उम्र में भी जाके हो सकता है मगर ये एज ग्रुप कॉमन है। अच्छा 5 से 15 साल की उम्र के अंदर। तो मैम क्या उनके अंदर जो बेसिक क्या इम्यूनिटी वीक होती है बच्चों में क्योंकि इस वजह से होता है, या ये इन्फेक्शन जो आपने स्ट्रेप्टोकोकस का बताया? हाँ, इम्यूनिटी वीक होने का नहीं है, इन्फेक्शन हुआ उस ये एक्चुअली बाद में उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून टाइप, उस इन्फेक्शन जो जरासीम के अगेंस्ट जो है कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं जो मुख्तलिफ दिल जिस्म के टिश्यूज होते हैं उन पे भी अटैक करती है। ठीक है, उसकी वजह से होता है ये। और इन्फेक्शन तो हमारे पास मेल न्यूट्रिशन और ये सब है, इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, हाइजीन हमारी बहुत पुअर है। ठीक है। तो मैम अगर हम देखें तो कौन कौन से लोग ऐसे इसके रिस्क पे कौन से ज़्यादा होते हैं कंजर इसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के ऊपर जो ज़्यादा रिस्क फैक्टर? यही एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं और जो ज़्यादा ओवर क्राउडिंग में रहते हैं, लाइक होस्ट कैंप्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, बड़ी उम्र में जाके अगर बात करें वो लोग ज़्यादा हैं, पुअर कम्युनिटीज़ पुअर क्लास ज़्यादा अफेक्टेड होती है क्योंकि ओवर क्राउडेड एरिया में हैं, उनमें इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो मैम फीवर तो हम नॉर्मली बात करते हैं, आपने अभी रूमेटिक फीवर की बात की और जिसकी वजह से हार्ट वाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, दोनों फीवर्स के अंदर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? फीवर
और रूमेटिक एक अलग फीवर का तो एक साइन सिम्टम है जो फीवर बहुत सैकड़ों चीज़ों की वजह से हो सकता है, वो जरासीम भी हो सकते हैं, वो कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं, जो एक मलेरिया में भी फीवर हो गया, टाइफाइड में भी फीवर हो गया और जोड़ों के दर्द दूसरे होते हैं उनमें भी फीवर हो सकता है। रूमेटिक फीवर इज अलग से है कि जिसमें उसमें एक सिम्टम है कि फीवर भी होता है, ज़रूरी नहीं है हो मगर एक कॉमन सिम्टम उसके साथ फीवर भी है। रूमेटिक इसलिए कहते हैं कि वो जॉइंट्स हैं और दिमाग पे भी असर होता है उसका, दिल के कनेक्टिव टिश्यूज़ पे भी असर होता है, तो इसलिए जो रूमेटिक फीवर होता है। अब रूमेटिक फीवर हुआ उसके और उसमें कार्डिक दिल की इन्वॉल्वमेंट हुई तो वो रूमेटिक हार्ट डिजीज हो जाता है। तो ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे जिससे हम डिफरेंशिएट देखें पता चल जाएगा कि हाँ सबसे पहले सीरियस लेने का जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है जब रूमेटिक फीवर नहीं हुआ है, गले खराब होना। हमारे यहाँ गले खराब होने को बहुत मामूली सी चीज समझा जाता है, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। आमतौर पे कहते हैं कि जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा इसमें गले काफी गले में अंदर दर्द होगा, सूजन होगी, बुखार होगा, लेकिन बाज़ औक़ात इतना शदीद नहीं होता, मामूली भी होता है और ख़ुद ठीक भी हो जाता है। दूसरा ये कि अगर गले ख़राब हुए हैं उसकी वजह से अगर किसी ने एंटीबायोटिक दी भी है तो वो प्रॉपर ड्यूरेशन से नहीं ली जाती और प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं दी होती। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब गले ख़राब हों तो उस वक्त ये डायग्नोस हो कि ये उस जरासीम से है कि नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि डायग्नोस करने के लिए इतना आसान नहीं होता। हमारे यहाँ जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ही मामूली सी हैं, इसके जो टेस्ट हैं हर जगह नहीं होते, तो दुनिया में उन मुल्कों में जहाँ ये हमारी तरह से बहुत कॉमन है उन्होंने अपने लिए गाइडलाइन बना ली है, रिकमेंडेशन है कि जब भी बच्चे का गला ख़राब होगा तो उसको इंजेक्शन पेनिसिलिन एक मरतबा लॉन्ग एक्टिंग जो होता है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, उससे ये मसले होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर रूमेटिक अगर सोर थ्रोट का प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, कुछ बच्चों में ये रूमेटिक फीवर होगा। अब होता ये है कि बहुत माइल्डर फॉर्म से बहुत सीवियर भी होता है। माइल्डर फॉर्म में ये आया कि दो दिन तीन दिन जोड़ों में दर्द हुआ, पेनाडोल खा ली, डिस्प्रिन खा ली, वो सही हो गया। ठीक है, ठीक है, या फिर इवन दिल पे भी इफेक्ट हुआ है, मामूली सा इफेक्ट हुआ है, ना बुखार रहा थोड़े दिन, बच्चा थोड़ा थकन और ये महसूस कर रहा है, उसके बाद वो सही हो गया। ठीक है, तो वो और डायग्नोस भी नहीं होते। अब इसको प्रिवेंशन जिस इसमें देखें ये लाइफ लॉन्ग मिजरी है, लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है और ये 100% प्रिवेंटेबल है। यानी अगर आप ये मेजर लें कि इंजेक्शन पेनिसिलिन सबको लगे तो ये दुनिया में सब जगह इसी पर अमल करके वहाँ से टोटल ख़त्म हो गई है ये बीमारी। अच्छा, तो उसमें अब प्रिवेंशन में इसके कहाँ रोका जाए, डिफरेंट स्टेजेस हैं। एक तो सबसे पहले जिसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, हाँ। वो है ये कि जब सोर थ्रोट हो तो या तो उसको उसी वक्त डायग्नोस करें आप या फिर इंजेक्शन पेनिडोल लगा दें। लेकिन अगर डायग्नोसिस में 3-4 दिन लग जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप बेहतर यही है कि उसी दिन इंजेक्शन पेनिसिलिन लगा दें, और अगर नहीं तो फिर कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो आप इसमें दे सकते हैं, मगर वो एंटीबायोटिक्स पूरे 10 दिन देनी होती हैं। होता ही है कि 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन में सही हो जाता है, बुखार भी सही हो जाएगा, गला भी सही हो जाएगा और सब छोड़ देते हैं दवा। लेकिन अगर इस आगे की प्रिवेंशन के लिए तो 10 दिन तक कुछ दवाएं हैं, पेनिसिलिन है जैसे एरिथ्रोसिन है, ये दी जा सकती हैं अगर पेनिडियोल इंजेक्शन नहीं लगता तो। अगर वो लगा देते हैं तो फिर और कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। दूसरी स्टेज ये आती है कि जब बच्चे को पहली बार रूमेटिक फीवर हुआ है तो उस वक्त उसे डायग्नोस करके आगे के जो एपिसोड्स हैं, यानी दोबारा भी बच्चे में गला ख़राब होने के चांसेस हैं, तो उसको रोका जाए। लेकिन वो उसका तरीका ये होता है जिन बच्चों में हम डायग्नोस कर लेते हैं कि हाँ इसको रूमेटिक फीवर हुआ है, उनको कुछ मखसूस मुद्दत के लिए इंजेक्शन पेनिसिलिन लगते हैं हर 3 हफ्ते पे। अच्छा, ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर बच्चे को एक ही मर्तबा हुआ है और इवन डैमेज हार्ट पे भी अच्छा खासा हो गया है और अगर दोबारा से वो इन्फेक्शन नहीं होता, दोबारा से उसको रूमेटिक फीवर नहीं होता, तो वो 60-70% बच्चे का दिल नॉर्मल हो जाता है
या कम से कम अगर पहले वॉल बहुत ज़्यादा ख़राब था तो उसमें कमी आ जाती है। जब दूसरा और तीसरे मरतबा एपिसोड हो जाते हैं तो फिर वो दिल खबीर सही नहीं हो सकते। ठीक, जैसे मैम आपने बताया एंटीबायोटिक्स का यूज़ और नॉर्मली हमारी सोसाइटी के अंदर रेगुलर वो मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं करते, और अगर वो नहीं करते 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं तो ये आप ये कह रही हैं कि एपिसोड दोबारा से हो जाएगा, दोबारा से होगा। और जिन बच्चों में एक मरतबा ये हो चुका है रूमेटिक फीवर, उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि दूसरी मरतबा भी ये इन्फेक्शन होगा तो उसको ये रूमेटिक फीवर होगा। आम बच्चे में चांस होगा 4.5%, इनमें 60-70% चांस है कि बार बार होगा। अगर उसका सोर थ्रोट इन्फेक्शन को रोका ना गया ठीक तो। है तो मैम इसको डायग्नोज करने के लिए कौन से ऐसे डायग्नोसिस के लिए, एक तो सबसे पहले आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ इसको ये हो सकता है, उसके सिम्टम्स हैं। जैसे अगर कोई बच्चा कहता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि 8-10 दिन पहले या 15-20 दिन पहले हमारे बच्चे का गला ख़राब हुआ, अब उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, ठीक है ठीक है, तो फिर या फिर बाज़ औक़ात सिर्फ जोड़ों में दर्द नहीं होता, कुछ बच्चों में एबनॉर्मल मूवमेंट शुरू हो जाती है, हाथ पैर अजीब तरह से हिलाने शुरू हो जाएंगे, राइटिंग उनकी ख़राब हो जाएगी, इसके हम कोरिया कहते हैं, ठीक है। या फिर बच्चा जोड़ों में भी दर्द नहीं हुआ, ये भी वो चीज़ें जोड़ों में दर्द और ये चीज़ तो बहुत ऑब्वियस होती है, सामने आ जाती है। दिल का मसला इतना ऑब्वियस नहीं होता, स्पेशली अगर वो मामूली नौयत का है, मगर मामूली नौयत आगे जाके ख़तरनाक हो जाती है। तो उसमें यही है कि अगर बुखार हो रहा है, बच्चा थक रहा है, खेल नहीं रहा, आप उसको सस्पेक्ट करें और कोई रीज़न नहीं मिल रहा इस वक्त, तो फिर उसमें डायग्नोसिस के लिए ये है कि आपको 2-3 चीज़ें लैब लेबॉरेटरी से हैं। एक तो ब्लड टेस्ट है, उसमें तो खैर इन्फेक्शन का एलिमेंट देखते हैं जिसमें CRP और CBC कराते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको ये सब प्रूव करना होता है कि ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इसको 1-1.5 महीने के अंदर हुआ है। उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं, ब्लड कल्चर, थ्रोट कल्चर है, थ्रोट से हम स्वाब लेके उसका कल्चर करते हैं, ब्लड में एंटी स्ट्रेप्टर एसोटाइटर जिसे कहते हैं वो करते हैं हम, ठीक है ठीक है। और इन सब चीज़ों के साथ एसोसिएट करते हैं कि वो इन सिम्टम्स के साथ अगर ये भी मौजूद है तो फिर बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है कि उसको ये प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अब दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी, एसोटाइटर और थ्रोट कल्चर की जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसको सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। वो किसी को भी ये इन्फेक्शन होगा उसमें ये ज़्यादा आएगा, ठीक है ठीक है, मगर उसके साथ जो हमने अभी बताए सिम्टम्स हैं या बच्चे की तकलीफ है वो सारी चीज़ें हैं तो फिर हम कहेंगे कि इसको रूमेटिक फीवर है। अगर उसके साथ आता है बच्चा कि आपका सिर्फ सोर थ्रोट इन्फेक्शन, सोर थ्रोट कराया आपने, वो कल्चर कराया उसमें आ गया और कोई सिम्टम नहीं है, तो उसका मतलब है आपने उसको एक बार इंजेक्शन पेनिड्यूल ज़रूर देना है, मगर जब तक दूसरी चीज़ें नहीं है आप उसको रूमेटिक फीवर लेबल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उन जगहों पे जैसे हमारे यहाँ बहुत कॉमन है तो पहले अगर है तो आप उसे बेशक सस्पेक्ट करके आप शुरू करा सकते हैं और फिर किसी एक्सपर्ट के पास भेज दें, उसको हम इवेलुएट करते हैं कि हाँ वाकई इसको रूमेटिक फीवर है या नहीं है। समटाइम्स उसमें कुछ महीने भी लगते हैं क्योंकि एक मरतबा होके अगर वो ख़त्म हो गया उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं बचा तो नहीं मालूम होता उसके वो है, वो फिर एक्सपर्ट्स का काम हो जाता है कि वो फिर देखे कि अच्छा इसको वाकई रूमेटिक फीवर हुआ था या सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट इन्फेक्शन था। जब एक मरतबा उसका इत्मीनान हो जाता है कि नहीं जी इसको रूमेटिक फीवर नहीं है तो फिर हम बंद करा देते हैं, या हमें लगता है कि है तो फिर उसको कंटिन्यू करा। ठीक, मैं सर नॉर्मली मैम जब भी फीवर होता है तो फैमिलीज अपने एक फिजिशियन के पास जाती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे कौन ऐसा अगर किसी पेशेंट के अंदर या बच्चे में ऐसी चीज़ें होती हैं, सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं, तो ये क्या कार्डियोलॉजिस्ट के पास डायरेक्टली जाए या पीडियाट्रिक के पास? कोई भी किसी भी सब स्पेशलिटी में डायरेक्टली तो नहीं जाया जाता है, बहुत कम होते हैं क्या पता चल गया। अब ये एक फिजिशियन के पास ही जाएगा ना, बच्चों का डॉक्टर के पास जाएगा, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएगा, तो वो देखेगा ना कि प्रॉब्लम क्या है, फिर वो रेफर करे
जहाँ के उसको लगता है कि प्रॉब्लम है, शक होता है, तो आप भेज दें। और ये तो जो है इंजेक्शन पेनिडियो लगाने वाली बात हो तो कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर कर सकता है। प्रिवेंशन तो देखें बिल्कुल जनरल प्रैक्टिशनर के लेवल पे है, होती है। वो बच्चा कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं आएगा जिसको अभी सोर थ्रोट हुआ है और दिल का कोई मसला नहीं हुआ है, लेकिन उसको आप क्या समझते हैं कि उसको स्ट्रेप्टोकोकल हुआ है, या फिर यह कि हर सोर थ्रोट को, हमारे मुल्क में ये गाइडलाइन नहीं है लेकिन दूसरी जगहों पे है कि हर सोर थ्रोट को आप इंजेक्शन पेनिडोर दे दें, ठीक है, वो कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर कर सकता है, ठीक है। और उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती, लाइक मल्टीपल एपिसोड्स होती हैं, तो फिर अल्टीमेटली दिल हमेशा के लिए जो है डैमेज हो जाता है, फिर तो हाँ उस दिल में क्या खराबी होती है, वेल्स की खराबी होती है, वेल लीक भी हो सकते हैं, वेल टाइट भी हो सकते हैं, और एक ही वेल में दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मैम अगर एक किसी पेशेंट के साथ ये चीज़ हो गई है तो क्या उसकी फिर ट्रीटमेंट की, अगर प्रिवेंशन तो आपने बताया, ट्रीटमेंट देखें डिपेंड करता है कि लीक हो रहा है वेल या टाइट हो रहा है वेल। जब वेल लीक होता है तो उनमें ज़्यादातर ऑप्शन वेल रिपेयर का होता है, रिपेयर का नहीं होता, वेल बदले जाते हैं, ठीक है। और जब वेल बदल गया तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी भर के लिए उसको कुछ दवाएं लाजमी खानी है, खून पतला करने की, उसको हर थोड़े अरसे बाद ब्लड टेस्ट भी कराने हैं, बहुत सारे रिस्क हैं। वेल अगर टाइट है तो उसके भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, एक है कि जो हम एंजियोग्राफी के ज़रिए वेल खोलते हैं, और डिपेंड करता है किस टाइप का है, वरना फिर उसका भी वेल बदला जाता है, ठीक हो गया। मैम एक क्वेश्चन हमारी ऑडियंस की तरफ से है कि क्या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसमें बंदा बिल्कुल डेथ भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, एक्यूट स्टेज में भी हो सकती है और लेटर बाद में। जब देखें दिल का वेल ख़राब हो गया तो उसके दिल के असरात होते हैं, अगर इन टाइम उसका इलाज नहीं हो रहा, इन टाइम उसको नहीं कुछ डायग्नोस हुआ, नहीं वेल को सही किया गया, तो फिर दिल बड़ा हो जाएगा, दिल का फंक्शन कमज़ोर हो जाएगा और उसमें डेथ होती है। एक्यूट स्टेज में भी होती है, बहुत सीवियर है तो एक्यूट स्टेज में भी डेथ होती है, ठीक है, डेथ होंगी। और अगर कोई बच्चा सरवाइव कर जाता है तो उसको उसकी लाइफ में, अच्छा एक्यूट स्टेज में भी डेथ्स होती हैं लेकिन परसेंटेज कम है, आगे जाके देखें इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही हैं। हाँ, वेल बदल गया उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ा होता है ये भी खतरा होता है कि वेल दोबारा बंद ना हो जाए, फिर उनमें कुछ और चीज़ कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, दिल की बीमारी है वो, जिसमें जरासीम, कोई भी जरासीम जाके उस वेल पे अटक गए, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। खून पतला करने वाली दवाएं वो ले रहा है, ज़्यादा हो गया वो भी ख़तरा है, कम हो गया ज़्यादा नहीं ली, प्रॉपर नहीं ली उसने, तो वो भी ख़तरा है। और इनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, और उनकी ओवरऑल जो नॉर्मली जो परफॉर्मेंस है वो भी नॉर्मली, हाँ, अब डिपेंड करता है कितना है, अगर हार्ट सही कंडीशन में है तो नॉर्मल रह सकते हैं काफ़ी अरसे तक, मगर ज़्यादा बार अगर प्रॉब्लम्स हुए हैं, दिल कमज़ोर है, तो फिर वो उनकी नॉर्मल एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। मैम आपने वाल्व रिप्लेसमेंट की बात की कि वाल्व रिप्लेस भी हो जाता है बच्चों के अंदर, तो कौन सी एज के अंदर हम कर सकते हैं, लाइक किसी एज में भी कर सकते हैं, क्या ये दोबारा से वापस हो सकता है? कर सकने की ये बहुत छोटे बच्चों में वाल्व रिप्लेस में करना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है, क्योंकि इतने छोटे साइज नहीं होते, रिपेयर इनमें बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें हो सकती है, ठीक है। अब बाकी ये कि वेल बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, अब डिपेंड करता है किस किस्म के वेल लगाए गए हैं, टिश्यू वेल अगर लगाते हैं उसकी खास इंडिकेशंस होती हैं तो वो तो लाजमी बदलना पड़ता है। मेटालिक वेल भी कभी डिसफंक्शन हो जाता है, यानी काम उसका कम हो गया किसी भी वजह से, जैसे अगर खून पतला करने वाली दवा नहीं ली, क्लॉट जम गया या अपना उसका डिसफंक्शन हो गया, तो ज़रूरत पड़ सकती है, मगर ज़रूरी नहीं है लेकिन उसमें ज़रूरत पड़ भी सकती है, ठीक है। और अगर बच्चों में देखें प्रॉब्लम ये है कि छोटा सा हार्ट है, वेल्स बड़े हैं उनमें, काफ़ी बड़े हो के वेल बदलना इतना मुश्किल काम नहीं है, इतने प्रॉब्लम्स नहीं करता, लेकिन जो छोटे बच्चों में, जो हमारे यहाँ मसला यही है कि हमारे यहाँ रूमेटिक फीवर बहुत कम एज में हो रहा है, यानी 3-3 साल में हमने वेल बिल्कुल ख़राब देखे हुए, अच्छा, और 10-12 साल की उम्र में हमारे बच्चों के वेल बदले जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स उनके साथ में बॉडी में साइज और वेल साइज मिसमैच और ये सब आगे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर एक 20-25 साल की उम्र में बदलना पड़ रहा है और एक 10-12 साल की उम्र में बदलना पड़ रहा है, तो जिसको छोटे उम्र में करना पड़ रहा है उसके प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं,
ठीक है, और अगर एक दफा रिप्लेस हो गया और लेटर स्टेज में फिर अगर ये फीवर होता है या इन्फेक्शन दोबारा से होता है तो फिर भी है, फिर वापस उसके अंदर, ठीक है, वो तो फिर दोबारा कोई ना कोई एक वेल नहीं है ना, दोनों मेन दो वेल्स हैं जो उल्टी साइड पे होते हैं, वो मेनली वो खराब ज्यादा होते हैं, ठीक है, बाकी दो वेल्स के एक राइट साइड का एक वेल दूसरा है वो अफेक्टेड होता है लेकिन वो कम होते हैं, मगर ये मेन दो वेल है लेफ्ट साइड के वो ज्यादा होते हैं, ठीक, उसमें से एक मेन शरियान का वो वेल्व है और दूसरा जो उसके खाने में खून लेकर जाता है। ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन है मैम कि अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज किसी पेशेंट में है तो क्या उसका कोई लिंक है स्ट्रोक के साथ? स्ट्रोक एसच नहीं होता, स्ट्रोक जब होगा दो चीज़ें हैं कि उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया है, उसका मतलब यह है कि दिल में जाके जरासीम जम गए हैं, वहाँ इन्फेक्शन कर दिया है, जो ये हाई रिस्क है, जब हमें अगर वेल नहीं बदला है, वेल ख़राब है रूमेटिक की वजह से वो भी हाई रिस्क है इसके लिए, और जिसका वेल लगा हुआ है मेटेलिक वो भी हाई रिस्क है, तो उस सूरत में स्ट्रोक हो सकता है। दूसरी सूरत यह है कि अगर हम उसको एंटीकोगुलेशन जैसे खून पतला करने की दवा दे रहे हैं और वो ज़्यादा हो गया पतला, उससे हेमरेज हो सकता है। तीसरी एक वजह और भी है कि इनमें दिल की रफ्तार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, ज़्यादातर उसमें हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, जो दिल के एक खाना बढ़ जाता है, जिस वेल की लीकेज है वो खाना बढ़ जाता है और उसमें से एबनॉर्मल दिल की रफ्तार होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के, ठीक है। अब मैम आपने बताया कि इन्फेक्शन होता है बच्चों के अंदर, तो क्या इसमें कोई मेल फीमेल जेंडर रेशो है? सच नहीं है, सच नहीं है, लेकिन एक बात यह है कि ये जेनेटिक देखें हर चीज़ हम कहते हैं मोस्टली चीज़ों के जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कुछ जीन्स ऐसी होती हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो ये प्रॉब्लम्स उसमें आएंगी, तो इसलिए बाज़ औक़ात ही फैमिलीज में होता है, एक दो तीन बहन भाइयों को हो गया, ठीक है, वो ज़्यादा उनमें चांसेस होते हैं, तो अगर एक फैमिली में दो बच्चों को है तो हम बाकी जो बच्चे हैं अंडर 15 उन सबको हम शुरू करा देते हैं इंजेक्शन पेनीड्योर सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए, मतलब हर तीसरे हफ्ते में लगने के लिए अगर एक फैमिली में दो बच्चों को है तो, ठीक, क्योंकि उनमें ज़्यादा चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि इनका वेल ख़राब होगा, ठीक है। मैं एक्चुअली इस जेंडर पे इसलिए पूछना चाह रहा था कि अगर किसी फीमेल को है तो एक दफ़ा उसको ये डायग्नोज हो गई और इस्टेब्लिश हो गई डिज़ीज़, तो उसकी लेटर स्टेज में जब वो शादी करती है तो उस सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको? अच्छा, अब देखिए इसमें डिपेंड करता है कि दिल का फंक्शन क्या है, फेफड़ों की रगों का प्रेशर क्या है, वेल बदला है, ये सारी चीज़ें, अगर वेल बदला है मेटालिक वेल लगा है तो फिर उसको खून पतला करने की जो दवाइयाँ हैं उसको कुछ चेंज करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर वेल नहीं बदला, दिल का फंक्शन कमज़ोर है या फिर फेफड़ों की रगों का प्रेशर बढ़ा हुआ है इन सारी चीज़ों की वजह से, तो उसमें तो प्रेगनेंसी हम एडवाइज़ ही नहीं करते, ठीक है, ठीक है, और अगर वेल किसी का तंग है तो उसको प्रेगनेंसी से पहले मामूली तंगी भी है तो भी खोलना होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और मैम मुझे हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि NICVD में अगर इस तरह के जो पेशेंट रिपोर्ट होते हैं उनकी क्या, पहले तो कितने पेशेंट रिपोर्ट हो रहे होते हैं और उनको फैसिलिटीज़ क्या, हर जो आपने बताई कि प्रिवेंशन के ऊपर भी बात होती है, ट्रीटमेंट, वेल रिप्लेसमेंट, अच्छा देखिए जो सारी फैसिलिटीज़ हमने कुछ साल पहले अपना ये देखा था कि जो हमारे ओपीडी था उसको हमने रेशो निकाला था कि कंजनाइटल कितने, रूमेटिक कितने, ये सब, तो ये तकरीबन 1/3 केसेस जो हैं हमारे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के थे, और ये काफ़ी ज़्यादा रेशो है, शायद इसकी वजह ये कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के ज़्यादा मरीज़ हमारे पास आते हैं। वैसे मुल्क में जो है अगर रफली कोई ऐसा स्टडीज़ नहीं है, लेकिन हमारे इसी एडमिशन बेस डेटा बेस करके हमने जो एक रफ एस्टिमेट किया है, कम से कम भी 15,000 से 20,000 बच्चों को हर साल रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है, और ये वो एस्टिमेट बेस करता है हमारे उस जो हमारे पास मरीज़ आए हैं जो अमूमन दूसरी तीसरी मर्तबा जिनको हो चुका होता है, जिनके वेल काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो वो यानी सीवियर फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ के पेशेंट मुल्क में तकरीबन 15,000 से 20,000 हर साल, तो ये कितनी ज़्यादा अगर हर साल लाखों में होंगे ये मरीज़, ठीक है। और उनकी ट्रीटमेंट ऑफरिंग्स, आप जब वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर उनका मतलब उनको
ट्रीटमेंट कितने परसेंट लोग जो है ना वापस सेहत याब हो जाते हैं और अच्छी क्वालिटी। लेकिन डिपेंड करता है ना कि वो किस कंडीशन में आए हैं हमारे पास। हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट आए होते हैं जिनको मल्टीपल टाइम्स हो चुका होता है, वेल बहुत ख़राब हो चुके होते हैं। ठीक है, अब उसमें यह है कि बहुत से कि हर शख्स को ज़रूरत नहीं होती वेल बदलने की, लेकिन किसको ज़रूरत है किसको नहीं वो तो मुख्तलिफ टेस्ट के बाद होता है। दवाइयाँ उनको हमेशा लेनी होती हैं कोई ना कोई प्रोसीजर्स के लिए। अगर पहली बार अभी आया है ज़रूरी नहीं है अभी उसको ज़रूरत है, हो सकता है 5 साल बाद ज़रूरत है, हो सकता है 10 साल बाद ज़रूरत हो, उसको पड़ेगी ज़रूर कभी ना कभी ज़रूरत, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। एक मरतबा वेल ख़राब होता है तो फिर वो आहिस्ता 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 मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है वेल लीक है वेल टाइट है उस पर और किसको कब ज़रूरत है कुछ करने की। ठीक हो गया मैम, हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, स्पेशली ऐसी फीमेल जो कि इस फीवर को एक नॉर्मल या सोर थ्रॉट को एक सीरियस नहीं लेते। ये सबको फीमेल मेल हर एक के लिए ये है कि बच्चे का जब भी गला और ख़ास तौर पे जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए कि जब भी बच्चे का गला ख़राब होता है तो उसको मामूली एक, क्योंकि ये चीज़ें इतनी कॉमन है हमारे सोसाइटी में कि हम इसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, कि आम सी बात समझते हैं। हाँ। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसकी आगे जो भी है बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। तो हर बच्चे का जिसका गला ख़राब होता है उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखें कि इसको कहीं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। मैं हमारी एडवाइस तो यही है कि हर बच्चा जो गले ख़राब के साथ आता है अगर आप फौरी तौर पे उसको डायग्नोसिस नहीं कर सकते स्ट्रेप्टोकोकल की तो आप उसको इंजेक्शन पेनिड्योर दे दें, उसमें इतना कोई हार्म नहीं है अगर प्रॉपर तरीके से लगाया जाए टेस्ट डोज करके, कुछ नहीं है। अगर वो आप नहीं दे सकते तो एरिथ्रोमाइसिन दे दें आप उसको 250 मिलीग्राम 8 आवरली 10 दिन के लिए। बाकी कुछ वेलोसेफ और सेफस्पेन वगैरह भी दे सकते हैं, उसकी डोजेज है वो 7 दिन देनी है मगर प्रॉपर डोज में दें और प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए दें, मगर इसको गले ख़राब होने को आप मामूली चीज़ ना समझें। ठीक है, इसके साथ ही मैं प्रोफेसर डॉक्टर नजमा पटेल के साथ प्रोग्राम के एंड करना चाहूँगा। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी सोर थ्रॉट या इस तरह की कोई पेशेंट बच्चे के अंदर कोई मसला होता है तो सबसे पहले उसको सीरियस लें और अपने करीबी मौलज से लाजमी रबता करें। इस रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और कंजेनेटल हार्ट डिजीज़ के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर या इनबॉक्स में जाके आप टाइप करें, इंशाल्लाह हम क्वेश्चन उनसे मैडम से पूछेंगे और आपसे वापस कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके साथ ही एंड पे मैं ये कहूँगा कि NICVD क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिल का मरीजों को डील करता है तो अगर किसी भी पेशेंट को कोई मसला है तो जैसे मैडम ने बताया तो वो फ़ौरन से इस हॉस्पिटल की डिफरेंट ब्रांचेस पे जा सकता है और इसको सीरियसली इसको टेक करके उसमें इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, उसको ट्रीट भी किया जा सकता है, ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। तो आप अपने किसी अगर फैमिली के अंदर किसी को है तो NICVD से लाजमी रब्ता करें। इसके साथ ही मुझे और मुझे डॉक्टर प्रोफेसर नजमा पटेल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।